Hello guys, welcome back to my YouTube channel that is Primary Guider. Today we will learn about types of sentences. In the primary classes, हमारे पास four types of sentences होते हैं. We have four types of sentences. First, assertive, statement, declarative sentences. Assertive को ही हम statement बोलते हैं, statement को ही हम डिक्लेरेटिव भी बोलते हैं और assertive भी बोलते हैं. These all are the name of the assertive sentences. कि आप assertive को statement भी बोल सकते हो, assertive sentences को declarative भी बोल सकते हो. तीनों correct है. तीनों का meaning same है. Simply states something, यानी कोई चीज, कोई भी sentence हमने क्या बोला हो, normal बोला हो, एक statement के तौर पर बोला हो. ठीक है, for example, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, यानी प्रैक्टिस से क्या होता है, मैन जो होते हैं वो परफेक्ट हो जाते हैं. ठीक है, वी शुड नॉट गेट डिस्ट्रैक्टेड व्हाइल स्टडिंग, यानी हमें डिस्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए व्हाइल स्टडिंग, यानी पढ़ते समय. तो असर्टिव स्टेटमेंट और डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस में, अ सेंटेंसेस में भी अफर्मेटिव ऑल्सो एंड ऑल्सो अ नेगेटिव, यानी कि एक सेंटेंस आपका पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, यानी उसमें आप नॉट भी यूज कर सकते हो और नहीं भी कर सकते हो. बेसिकली जो असर्टिव का मतलब है और स्टेटमेंट और डिक्लेरेटिव का मतलब है कि सिंपली कुछ बोलना, सिंपल कोई स्टेटमेंट बोलना. अगला, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस. इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस आस्क अ क्वेश्चन, यानी इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में क्या होता है, वी ऑलवेज आस्क अ क्वेश्चन. फॉर एग्जाम्पल, कैन यू स्विम, व्हाट इज योर हॉबी, इज देयर अ स्मार्ट बोर्ड इन योर क्लासरूम, क्या आपकी क्लासरूम में कोई स्मार्ट बोर्ड है. तो यहाँ पर क्या हो रहा है, सेंटेंसेस ऑलवेज एंड्स विद अ क्वेश्चन मार्क ऑल्सो. एंड इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में हमेशा हम क्या पूछते हैं, हमेशा हम पूछते हैं क्वेश्चन. सो नाउ थर्ड इज अवर इम्पेरेटिव सेंटेंसेस. किसी को आप कमांड दे रहे हो, टेक आउट योर इंग्लिश नोटबुक, ऑर्डर दे रहे हो, डू दिस वर्क, रिक्वेस्ट कर रहे हो, वार्निंग दे रहे हो, ये सारे किसमें आएंगे, ये सारे आपके आएंगे इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में. फॉर एग्जाम्पल, ओबे योर एल्डर्स, डोंट बी लेजी. इन इम्पेरेटिव सेंटेंसेस आपको कोई भी सब्जेक्ट नहीं मिलेगा. यहाँ पे ओबे योर एल्डर्स किसको बोल रहे हो आप, हमें नहीं पता. डोंट बी लेजी किसे बोल रहे हो, नहीं पता. ठीक है, इन इम्पेरेटिव सेंटेंसेज वी डोंट हैव एनी सब्जेक्ट. Exclamatory sentences expresses strong feeling, जो हमारी feelings, हमारे emotions को express करे, वो कौन से sentences होते हैं, वो होते हैं हमारे exclamatory sentences. For example, wow, this book is awesome, तो ये हमारी feeling show कर रहे हैं. Well done, तो हम किसी की क्या कर रहे हैं, यहाँ पे तारीफ कर रहे हैं, well done. So क्या है, हम feeling express कर रहे हैं, तो these are the exclamatory sentences. Like, share and subscribe my YouTube channel. Thank you.